निरीक्षण की अनुमति प्राचार्य महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण कुल चार प्लाटून आपके समक्ष पहली प्लाटून कमांडर सुश्री ज्योति परमार महिला प्लाटून सीसीटीसी जे बीएसएल वर्ग की प्रशिक्षार्थी कमांडर श्री घनश्याम सैनी रेलवे स्टडी स्टेशन मास्टर वर्ग के सभी प्रशिक्षार्थी तीसरी प्लाटून जिसके कमांडर है श्री राम रक्षा पांडे ये भी रेलवे स्टडी स्टेशन मास्टर वर्ग से चौथी प्लाटून कमांडर है श्री वरुण भैया परेड की मार्च पास्ट की अनुमति सिंकर आगे खोलने की थी परेड के दौरान बैंड वादक सागर वशिष्ठ योगेश गोयल अंकिता बिरला सभी प्रोविंस स्टेशन मास्टर वर्ग के शिक्षार्थी ज्यादा हो गया
ऑर्डर कर लेते हैं देखना। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी वीर सेनानियों, शहीदों तथा महापुरुषों का नतमस्तक होकर स्मरण करते हैं, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप हम एक गणतंत्र राष्ट्र में खुशहाली और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा राष्ट्र अमृत काल में नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है और यह अवसर हम सभी भारतवासियों के मन में आशा, स्फूर्ति व देशभक्ति का संचार कर रहा है। अभी आप रेल कर्मियों और उनके परिवार जनों ने हर घर तिरंगा उत्सव को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया है एवं विभाजन विभीषिका को प्रदर्शित करने के लिए हमारे प्रमुख स्टेशनों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के रेल कर्मी कड़ी मेहनत और बेहतर कार्य कुशलता से रेल कार्यों को निष्पादित कर रेल विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। वर्ष 2022-23 में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 7,288 करोड़ की कुल प्रारंभिक आय प्राप्त की है, जो अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें माल यातायात से 3,709 करोड़ तथा यात्री यातायात से 2,801 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं। साथ ही इस वर्ष हमने जुलाई माह तक यात्री मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस वर्ष मई माह में यात्री आय से 275 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। यह इस रेलवे पर अभी तक किसी एक माह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ट्रेन में खाली सीटों की अपडेटेड जानकारी वास्तविक समय में टीटीए को मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हैंड हेल्ड टर्मिनल प्रदान किए गए हैं। रेलवे द्वारा स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के 75 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अगस्त 2023 को उत्तर पश्चिम रेलवे पर लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से 47 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास कर राजस्थान के निवासियों को नई सौगात दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की सबसे लोकप्रिय एवं स्वदेशी निर्मित राजस्थान की पहली वंदे भारत अजमेर दिल्ली कैंट का 12 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। साथ ही 7 जुलाई 2023 को जोधपुर साबरमती वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया गया।
उत्तर पश्चिम रेलवे पर आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए पूर्ण क्षमता के साथ कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 140 किलोमीटर नई लाइन आमान परिवर्तन